रवि सैड और अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में ऐसा दलदला मचाया। काव्या मारन ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दोनों को किया अप्रिशिएट, बस गले नहीं लगाया। नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल सनराइजर हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाजों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 के 35वें मैच में चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए पावर प्ले में आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। ट्रेविस हेड 89 और अभिषेक शर्मा 46 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन उन दोनों के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा हो। जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ड्रेसिंग रूम में थे तो टीम की मालकिन काव्या मारन ने उनके पास जाकर एक अलग ही सम्मान दिया। काव्या ने ट्रेविस और अभिषेक के सामने हाथ जोड़कर उनके प्रदर्शन की सराहना की। ऐसा करके काव्या ने दिखाया कि वो अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिबद्धता की कितनी कदर करती हैं। दोस्तों, इस घटना से यह भी पता चलता है कि हैदराबाद की टीम कितनी एकजुट है और अपने खिलाड़ियों का किस तरह से समर्थन करती है। इस सीजन में टीम का ऐसा प्रदर्शन देखकर यह उम्मीद बढ़ जाती है कि वे अब इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा ही जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हैदराबाद की टीम को कौन सी टीम 200 से कम के स्कोर पर रोक पाएगी, और क्या हैदराबाद इस साल लगातार ऐसा ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आईपीएल का खिताब जीत जाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।